नमस्कार, मैं मोहम्मद मेराज हुसैन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल दरभंगा ऑलराउंडर। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फेमस ऐप टिकटॉक के बारे में। आखिर क्या है टिकटॉक, क्यों इसका आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा रेटिंग? इसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे आमिर सिद्दीकी। जी हाँ, इन्होंने सारे टिकटॉकर को तबाह बर्बाद कर दिया। इसी के वजह से आज 1.4 वाली ऐप 1.2 पे आ गई है। आमिर सिद्दीकी ने एक वीडियो बनाया था जिसकी मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। तो कैसे हैं आप लोग? आमिर सिद्दीकी ने टिकटॉक पे एक वीडियो बनाया जिसमें उसने यह कहा कि एक कंटेंट से वह हजारों वीडियो बनाकर यूट्यूब पे यूट्यूबर पोस्ट करते हैं जिससे वो पैसे कमाते हैं, फेमस होते हैं। जिसमें से उसने बहुत सारे यूट्यूबर को टैग किया। इसमें से एक थे कैरी मैनाल्टी। कैरी मैनाल्टी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके यूट्यूब पे 1.88 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। उसने कैरी मैनाल्टी को भी टैग कर लिया और कैरी मैनाल्टी की सटक गई और उसने एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे जिसमें बहुत सारे गालियों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण यूट्यूब ने कैरी मैनाल्टी की वीडियो को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा गालियों का प्रयोग किया गया और यूट्यूब का टर्म एंड कंडीशन कहता है कि ज़्यादा गाली ग्लॉज वाली वीडियो यूट्यूब पे परमिशन नहीं है, इसलिए यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। अगर वह वीडियो सोशल मीडिया पर रह जाता तो आज आमिर सिद्दीकी और कैरी मैनाल्टी के बीच एक घमासान युद्ध का रूप ले लेता। मैं आपको वह वीडियो भी दिखाऊँगा जिसमें आमिर सिद्दीकी ने क्या क्या कहा है यूट्यूबर के बारे में। इसी सब कारण से कैरी मैनाल्टी के फैन ने टिकटॉक को तबाह बर्बाद कर दिया। 1.4 वाली रेटिंग की ऐप 1.2 पर ला गिरी। सबका श्रेय जाता है हमारे आदरणीय आमिर सिद्दीकी साहब को। सभी लोग इसे धन्यवाद कहें। इनकी वजह से ही आज जो चाइना 1 मिलियन डॉलर पर डे कमाती थी वो अब नहीं कमा पाएगी। जी हाँ, टिकटॉक एक दिन में 1 मिलियन डॉलर इंडिया से कमाती है। आप लोग सोचते होंगे यह पैसा उसके पास कैसे जाता है। आप यह सोच के आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर मैं तो सिर्फ वीडियो देखता हूँ, इससे उसके अकाउंट में कैसे वीडियो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जब रिचार्ज करवाते हैं, डाटा कट डलवाते हैं, उस समय जितना देर आप टिकटॉक पे वीडियो देखेगा उतना डाटा कलेक्ट होकर वो टिकटॉक के अकाउंट में जाता है। टिकटॉक के अकाउंट में वो डाटा सारा कलेक्ट होकर टिकटॉक के अकाउंट में जाता है, जिसके जरिए टिकटॉक कंपनी को बेनिफिट होता है। जिस तरह बहुत सारी कंपनी, एयरटेल, आइडिया, जितने भी कंपनी है, जितने भी नेटवर्क से आप रिचार्ज करवाते हैं और डाटा कटता है, वो सारा डाटा, वो सारा इनकम वो टिकटॉक कंपनी में जाता है। वो सारी की अब बचत होगी सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय आमिर सिद्दीकी के कारण, जो कि अब पर डे चाइना कंपनी, चाइना टिकटॉक से पैसे नहीं कमा सकती है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो इतू सा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, दिए हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।